आज के दिन हम डांस नंबर कर रहे हैं, जो अभी आप लाइटिंग वगैरह देख रहे हैं, और सुबह के टाइम में हमने रोमांटिक सॉन्ग किया पिक्चराइज, तो बहुत मजा आया आज के दिन में। जी फिर से बोलो। जी ये जो स्टोरी है ये मूवी में ऐसा है कि हीरोइन का हम फ्लैशबैक दिखा रहे हैं ये गाने के ज़रिए, जो अभी आइटम नंबर आएगा। और सुबह के समय में हमने शूट किया है रोमांटिक सॉन्ग, जो कि बहुत खूबसूरत है, और अभी का गाना भी आप जो देखोगे तो वो बहुत ही खूबसूरती से कोरियोग्राफ हुआ है और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरती से स्क्रीन पे दिखेगा। अरुण बख्शी जी का पहला आइटम सॉन्ग नंबर है जो गाने वाले हैं जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरुण जी ने बहुत अच्छा लिखा है, अरुण जी ने बहुत अच्छा गाया भी है, और कहीं ये मेरा विश्वास था अरुण जी पे, जो अरुण जी ने यू नो प्रूव किया कि मेरा उन पे विश्वास करना सही था, कि मैं चाहती थी कि अरुण जी ये लिखे। एंड आई टेल यू, आई समवेयर बिलीव इन डिवाइन पावर, सो मुझे रेफरेंस काफ़ी बार दिए गए थे अरुण जी के, लेकिन आई डोंट नो समहाउ एक दिन वो मिलने आए एंड आई वॉज एबल टू सी सम काइंड ऑफ यू नो दैट डिवाइन इंट्यूशन कि नहीं इनसे। जी फिल्म में हमारे हैं गणपति सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है हमारा, ये जो टाइटल सॉन्ग है, और अरुण जी का अभी जो हम डांस नंबर शूट करने वाले हैं वो गाना है, तो फुल फिल्म में चार गाने हैं। जैसे कि आइटम सॉन्ग है ये, तो आइटम गर्ल कौन है? नहीं एक्चुअली हम इसे आइटम सॉन्ग नहीं कह सकते, ये बहुत ऑन एंड ऑन डांस नंबर है, तो आप देखेंगे कि मेरा तो ये भरोसा है कि ये गाना हर पब में क्लब में ज़रूर बजने वाला है। परफॉर्म कौन करने वाले हैं? अरुण जी भी होंगे गाने में या फिर? जी अरुण जी परफॉर्म करेंगे, मुश्ताक जी परफॉर्म करेंगे, आदि जी परफॉर्म करेंगे, किरण परफॉर्म करेगी, और बहुत सारे डांसर्स होंगे जो परफॉर्म करेंगे। आपके रोल के बारे में अगर पूछना चाहें तो किस तरह का, प्रोड्यूसर की भी भूमिका होती है फिल्म, तो किस तरह की भूमिका है पूरे फिल्म को लेके, क्या प्लानिंग है आपकी, क्या कुछ तैयारी चल रही है? जी हमने तो इस फिल्म में बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया है, जैसे कि म्यूज़िक से लेके, स्टोरी राइटिंग से लेके, इवन कॉस्ट्यूम से लेके, मतलब हर चीज़ में एक इन्वॉल्वमेंट रखी है हमने, क्योंकि हम इसे बहुत अपनी फिल्म बना के चले हैं, तो और एक एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, और साथ में मिलके काम करते हैं तो एक खट्टा मीठा अनुभव भी होता है साथ ही में, लेकिन एक अच्छी बात है कि एक टीम बन गई। यू नो आज जब ये शूट का लास्ट दिन चल रहा है तो हर कोई एक दूसरे से यू नो फिर से मिलने की कोशिश कर रहा है, तो एक अच्छी बात यह है कि एक मीठापन है, एक खुशबू है इस रिश्ते में जो बहुत प्यारी है। ओके मैम, ओके थैंक्स मैम। देखिए लास्ट गाना हमारा सुपरहिट हुआ था, हमने अपने गानों को गाने हमने थोड़े से गाए हैं, कुछ 320 या 21 के आसपास, लेकिन खूबसूरती यह है कि उसमें से मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर चार्ट बस्टर्स, लाइक तुन्ना तुन्ना, तक तक तुन्ना, दुनिया दी ठा ठा ठा, बड़े काम का बंदर, नाचे तो धर्मेंद्र, रोए तो राजेंद्र, आँखें, और उसके बाद में खोखा खोखा पाजी, खोखा खोखा, फिर बोल मिट्टी दिया बाविया, तेरे दुखा ने मार मुका लिया, उसके अलावा बोई बोई बम 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 बोई, इस तरह से मेरे गाने एक ज़माने में खूब चलते थे, मैंने अपने गानों को नंबर वन पर देखा है, और मैंने कुछ सीखा नहीं है गाना, आई हैव नॉट लर्न्ड सॉन्ग म्यूज़िक, लेकिन आई एम ए नेचुरल सिंगर, मैं जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है रियाज करता हूँ, और जब करता हूँ तो जम के रियाज करता हूँ, और मैं काफ़ी लोगों के पास गया था कि भाई यू बी माई टीचर, लेकिन मुझे सब लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन भगवान ना इग्नोर करे, सरस्वती माँ इग्नोर ना करे, और इसलिए मेरा गाना बीच बीच में चलता रहता है। फिर ज़माना बदला, उसके बाद में निकला, शुरू हुआ इसका ज़माना, कैसेट का ज़माना शुरू हुआ, तो आई डिड 3 एल्बम्स विद वीनस, थैंक्स टू मिस्टर चंपक जैन जिन्होंने मुझे 3 एल्बम का चांस दिया। पहली एल्बम थी, ये मुझे बोलना ज़रूरी है क्योंकि ये एक जर्नी है मेरी, एक यात्रा है, पहली एल्बम थी बोल मिट्टी दिया बाविया, उसमें ख़ास बात ये थी कि उसका म्यूज़िक मैंने दिया था,
और मैंने उसमें कोई गाना नहीं लिखा था, और उसकी जो कमेंट्री थी वो धर्मेंद्र जी ने की थी, द ग्रेट धर्मेंद्र। उसके बाद दूसरी एल्बम थी सद के जाऊं, उसकी जो कमेंट्री थी वो नसीरुद्दीन शाह साहब ने की थी, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और धर्म जी का भी। फिर तीसरी एल्बम मैंने की इसका नाम इश्क फकीरी, फिर सिंगल विंगल आते रहे, सिंगल सिंगल खेलता रहा, सेमी क्लासिकल भी करता रहा, फिल्मों में भी गाता रहा। लेकिन उसके बाद में ये फिल्म मुझे मिली उल्टे, उल्टे बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है, अनयूजुअल फिल्म बनी है, अनयूजुअल आई मीन अनयूजुअल। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ और मैं मुझे इसकी तारीफ करनी है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, सुलझी हुई फिल्म बनी है, अनयूजुअल है। और मैं सोचा कि मेरा काम खत्म हो गया है, जब सतारा में शूट कर रहे थे, मनोज नथवानी जी इसके डायरेक्टर हैं और बड़ी दोस्तों की कास्ट है, वंडरफुल पीपल, एंड मैं सोचा कि मेरा काम खत्म हो गया। आई वॉज हैप्पीएस्ट मैन एक्टर अरुण बख्शी, हैप्पीएस्ट मैन, कि मैं अभी यहाँ से निकलूँगा और मैं अभी बॉम्बे आऊँगा। आई वॉज हैप्पी विद माई रोल। तातिया का रोल है, नेता है, सरपंच है, बहुत बहुत अच्छा रोल दिया उन्होंने मुझे, एंड आई वॉज सो हैप्पी फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट एंड थैंकफुल ऑल्सो टू द टू माई डायरेक्टर। अब वो आते हुए हमारी जो प्रोड्यूसर जी हैं हिमांगनी जी, उन्होंने मुझे ऑफर किया, शी टोल्ड मी के उनको इंट्यूशन, वैसे बड़ी डिवाइन पर्सनैलिटी है, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि ये गाना है, ये हम चाहते हैं कि आप करें, इसकी सिचुएशन ये है। ठंग से वो जो म्यूजिशियन अरुण बख्शी है उसका बटन दब गया, म्यूजिकल अरुण बख्शी का, बोले कि आप इसको लिखिए, आप इसका म्यूजिक दीजिए, आप इसको गाइए, हमको ये 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 हमारी रिक्वायरमेंट है, आप गाना दे दीजिए। उसके बाद मेरा पूरा ही जो कोर्स था पूरा बदल गया, सतारा से लेके यहाँ तक बॉम्बे तक आते आते उसकी धुन भी बन गई और मैंने लिख भी दिया, और आधा लिखा और उसके बाद मैं तीरथ में चला गया। तीरथ में बाबा बालकनाथ जी के यहाँ गया अपने बड़े अजीज दोस्त डॉक्टर रवीश सूद के साथ में, बोले क्या कुछ ज़्यादा सोच रहा है अरुण बख्शी? मैं कहा हाँ यार, एक बड़ा अच्छा गाना मिला है, अच्छे लोगों ने गाना दिया है। तो फिर बाबा बालकनाथ जी के की सीढ़ियों पे बैठ के आधा गाना मैंने किया और उसमें मेरे दोस्त ने भी इनपुट दिया, और इस तरह से ये गाने की यात्रा शुरू हुई। फिर मैं जो अपना अरेंजर था, मुझे इस गाने ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। जो मेरे पुराने दोस्त थे, जो पुराने लोग थे जिनके साथ मैंने काम किया था, वो अचानक वो नहीं थे मेरे पास, वो चले गए कहीं, वो बिजी हो गए। फिर मैंने नई टीम बनाई और उन्होंने मुझे एक डेडलाइन दी थी कि इस डेडलाइन में हिमांगनी जी ने बोला कि ये करना है। ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है, हिमांगनी जी और जीत कुमार जी को जाता है, उन्होंने इतना शानदार सा गाना दिया। तो गाना बनता 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 बड़ा मज़ा आया इसको बनाने में। मेरा एक स्टाइल है कि मैं जब गाना बनाता हूँ या कुछ रिकॉर्डिंग करता हूँ, मुझे शांति चाहिए होती है। उसमें एक रिकॉर्डिस्ट हो, एक अरेंजर हो, एक मैं हूँ, और आई एम थैंकफुल टू द प्रोड्यूसर्स, उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दी कि आपको जब करना है कीजिए। एंड उसके बाद मैं लता मंगेशकर जी के स्टूडियो में करता हूँ, क्योंकि वो स्टूडियो में करने का मज़ा ये है कि आप रिकॉर्डिंग भी कर लेते हो और लता जी का आशीर्वाद भी मिल जाता है, उनका नाम बार बार आता है, शी इज सरस्वती माँ। फिर वहाँ पे वो मैंने उसको रिकॉर्डिंग किया, एंड आई एम सो हैप्पी आफ्टर दैट हिमांगनी जी आई साथ में जीत कुमार जी, उन्होंने पहली गो में गाना सुना एंड दे वर सो हैप्पी। फिर हमारे डायरेक्टर जी है, उन्होंने पे कुछ हल्का सा हेयर फेयर किया इधर से उधर, हमने उसको कर दिया। अब वो गाना जो है आफ्टर आंखें, फिल्म आंखें में लास्ट सुपरहिट गाना था फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा, और ये गाना
ये गाना जब सुनाया गया अपने यूनिट में, क्योंकि आधा गाना हम शूट कर चुके हैं और ये तो बारिश की वजह से हमारा उस दिन पूरा गाना नहीं हो पाया, अभी ये गाना अभी हम कर रहे हैं। एंड अब आप गाना सुनिए, इसकी बीट जो है, देखिए मैंने किसी को भी असिस्ट नहीं किया है, मैंने कभी भी ये मेरा कोई क्लेम नहीं है कि मैंने गाना सीखा है, मैंने गाना नहीं सीखा, मैंने सोहबत की है, मैंने बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ सोहबत की है, थिएटर किया है जम के, आनंद मिलिन, भप्पीदा, राजेश रोशन जी, इन सब के साथ बैठा हूँ, उनकी बातें सुनी हैं, सोहबत की है, क्योंकि वो जो उस्ताद लोग जब बात करते हैं तो उनमें से कुछ ना कुछ हमारी झोली में आ जाता है। आई एम सो लकी। और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर ऑल्सो, मेरे ये पांचवा सातवां गाना है फिल्म में जो मैं एक एक करके दिया हूँ, एंड आई एम हैप्पी बिकॉज पीपल आर हैप्पी। जिन जिन लोगों ने ये गाना सुना है, आपने भी शायद सुना होगा थोड़ा सा, दो लाइन पर बोल क्या है गाने के। इस गाने की खूबसूरती ये है कि जो दो लाइन है पहली, उसमें मेरा मैंने नहीं लिखा, वो हमारी जो प्रोड्यूसर हैं हिमांगी जी, उन्होंने मुझे बोला था, क्योंकि जब आप गाना करना चाहिए या कुछ क्रिएटिव काम करना है उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। इसका जो पहली दो लाइन है, दे आर कमर्शियल लाइन्स, इनका क्रेडिट जाता है, उन्हीं को जाता है, वो है बेबी को पैक पिला दो, बेबी को पैक पिला दो, बेबी का मूड बना दो, बेबी का मूड बना दो, या बेबी को पैक पिला दो, बेबी का मूड नहीं है, बेबी को दो पैक पिला के, बेबी का मूड बना दो, या बेबी को स्वर्ग दिखा के, बेबी को हो चुड़ा दो, बेबी को मोक्ष दिला दो, या बेबी को। ये है उसका, इसकी बीट कुछ अच्छी बन गई है, कुछ लगता है किसी ने आशीर्वाद दिया है। गाने का पेस कभी कहीं टूटता नहीं है, एंड आई एम सो हैप्पी। मेरे अंदर का जो आशिक है, मेरे अंदर का जो म्यूजिशियन है, मेरे अंदर की एक आत्मिक प्रसन्नता, खुशी मुझे मिल रही है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम एक फिल्म का गाना, ये इट इज़ कमिंग आउट रिस्पेक्टफुली, वेरी ग्रेसफुली। आई एम सो फॉर्चुनेट कि नहीं तो देखिए आजकल संगीतकारों के पास लोग जाते हैं, शायद मैं भी दो चार लोगों के को इस तरह से वैसे वह मिला हूँगा, लेकिन आजकल की जो जनरेशन के म्यूजिशियन म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो कि दे आर सपोज टू बी द सक्सेसफुल गाइस, क्योंकि आजकल जितने संगीतकार उनकी छोटी छोटी इनिंग होती है, दो फिल्में, चार फिल्में, पांच फिल्में, एटीट्यूड स्वैग ये वो पूरा आता है। मैं दो चार लोगों को मिला, मुझे लगा कि उनका एटीट्यूड हमारी तरफ से, हमारी जनरेशन की तरफ है नहीं। They treat you like, okay, man, मतलब बोलते नहीं है लेकिन वो पूरा एटीट्यूड बयान कर देता है। एंड आई वॉज थिंकिंग कि कहीं मेरा म्यूजिक कहीं सूख तो नहीं जाएगा, मेरा अंदर का जो संगीत है कहीं सूख तो नहीं जाएगा। एक्टिंग तो चलती रहती है लेकिन एक्टिंग में जो तड़का है, आया आया है संगीत का तड़का, मैंने आज तक कभी भी अपने रियाज को छोड़ा नहीं है। आई रिपीट, मैंने आज तक कभी रियाज को छोड़ा नहीं है, शायद इसीलिए जब कभी भी मुझे चांस मिलता है, आई एम ऑलवेज रेडी। ये मेरी पांचवी छठी फिल्म होगी जिसमें मैंने सिंगल एक एक गाना एक हिंदी, तो मेरी एल्बम मैं करता हूँ उसमें से गाना ले लेते हैं। लास्ट टाइम एक फिल्म थी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी फिल्म थी एक जिंद एक जान, उसमें उन्होंने मेरा गाना लिया था, उसका भी इट वॉज ए सुपर हिट सॉन्ग। सोनी सोनी इश्क दी मंजिल, सोना इश्क दा रस्ता, कोहे नूर तो भी महंगा है, मिट्टी नालों सस्ता, आवे इश्का कोल बिठा के तेरी नजर उतारा, इश्क दी बल्ले बल्ले, इश्क दी बल्ले बल्ले। ये गाना गया था, इस तरह के पांच सात गाने हैं। नाउ द फोकस इज ऑन दिस सॉन्ग, बेबी को पैक पिला दो, बेबी का मूड नहीं है, बेबी को दो पैक पिला, बेबी का मूड बना दो, या आई एम सो हैप्पी। ये मेरी आत्मिक प्रसन्नता है, कसम से मेरी आत्मा बड़ी खुश है। आज सवेरे से मैं फील कर रहा था, क्योंकि जो हमारे पीआरओ साहब, मिस्टर हमारे पीआरओ जो है
सतीश आपका, सतीश अग्रवाल एंड अ वंडरफुल मैन, ही कॉल्ड मी आपके सर आज हम कवर करेंगे, एंड आई वाज एक्साइटेड इन द सिंस मॉर्निंग कि नहीं आज मैं आप लोगों को फेस करूंगा। सर मेरा नाम है सचिन पाटिल, मैं इस फिल्म का लाइन प्रोड्यूसर हूँ और एक्टिंग भी कर रहा हूँ, और आज यहाँ पे मेडालियन पे शूट हो रहा है आइटम सॉन्ग का। अरुण बख्शी जी ने गाना गाया है और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, और मतलब बहुत मेहनत किया है इस फिल्म के लिए सब ने मिलके। बस आप उल्टे देख लीजिए, मजा आएगा। सर आपको कुछ पास्ट के बारे में बताइए, आप इंट्रोडक्शन कुछ। सर एक्चुअली मैं पॉलिटिकल करियर से हूँ, मेरा पोस्ट है, मैं राष्ट्रवादी में जनरल सेक्रेटरी हूँ मुंबई प्रदेश का, तो पॉलिटिकल है। इस फिल्म में मैं जीत सर के साथ जुड़ा था एज ए लाइन प्रोड्यूसर, मुझे एक्टिंग का कुछ करना नहीं था, बट डायरेक्टर मनोज जी ने एक दिन कहा कि सचिन आप एक्टिंग कर सकते हो, तो बस उस दिन से कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। सर एक्टिंग भी करनी है और मैं मेकिंग में भी जा रहा हूँ, मैंने जीत सर से भी और हेमंगनी मैडम से भी बोला हूँ, मनोज सर से भी मेरी बात हुई है। मेरा कुछ दो टाइटल है, एक ब्लैक बॉम्बे और एक बंटा है, तो ये दो टाइटल के बारे में सोच रहा हूँ सर फ्यूचर में, मे बी 2020 में मैं दोनों लाने वाला हूँ। मैडम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाय, आई एम श्वेता गोडके। इस मूवी में मैंने डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले किया है। जीत सर, किरण जी, सचिन सर, इनके साथ काम करके अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और प्लीज़ वॉच उल्टे मूवी इन सिनेमा हाउस, ऑल द बेस्ट फॉर उल्टे, थैंक यू। आपको गाना कैसा लगा? बहुत अच्छा गाना था, अरुण बख्शी जी ने गाया है, बहुत ही अच्छा है। अरुण जी को कितने अर्से सुन रहे हैं आप? मैं उनको बचपन से सुन रहा हूँ। हम लोग थिएटर में साथ में काम करते थे, थिएटर में बहुत गाने गाते थे, वो बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए थे। वेरी गुड सिंगर एंड ही इज वेरी गुड सिंगर, इज वेरी गुड कंपोजर आल्सो, ही कंपोज आल्सो, ही राइट्स आल्सो। पंजाबी फोक बहुत अच्छे वो गाने गाते हैं, स्टेज में बहुत अच्छे गाने गाते हैं। ही हैज गुड वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ, तो इज गुड सिंगर। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस गाने को लेकर? क्या है वो थीम, क्या है और गाने के? दिस इज एक्चुअली ब्यूटीफुल सजाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गाने में? इस गाने में मैं नहीं हूँ और मेरा पूरा शूट अभी खत्म हुआ है, लेकिन गाना इतना अच्छा है इसलिए मैं बैठा हूँ। एंड अरुण बख्शी जी ने बहुत ही प्यारा गाना गाया, एंड आई थिंक दिस सॉन्ग इज गोइंग टू बी अ बिग हिट, एंड मैं बैठा हूँ। मुश्ताक भाई, अदि भाई और अरुण जी को डांस करते हुए देखने के लिए, बिकॉज इनका जो अभी परफॉर्मेंस मेरे को देखना है। एंड हम लोग डांस करते हैं तो हम लोग एक अलग स्टाइल है हम लोगों का, लेकिन इनका स्टाइल ही अलग है, तो आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट, यू नो, वाचिंग देम। स्टाइल होल लोकेशन की अगर बात करें तो सारे लोग एक्साइटेड हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना है। गाने को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर ट्रस्ट मी, अगर मुझे ये गाना अच्छा नहीं लगता, मेरा पैकअप हो गया है, मैं चला जाता, तो मैं वेट, आई एम जस्ट सिटिंग बिकॉज आई एम एंजॉयिंग द सॉन्ग एंड आई एम एंजॉयिंग वॉचिंग ऑल दीज गाइज डांसिंग। सर जी आप भी इस गाने में हैं, क्या कुछ कहेंगे, किसका किसका कॉलेब्रेशन है इस गाने में? देखिए क्या टिकड़ी पकड़ने वाली है? देखिए मैं आपको सही बताऊं, मैं जब भी फिल्म में कोई गाने का मौका मिलता है, खासकर मुझे ना, तो मैं बहुत घबरा जाता हूं, फ्रैंकली स्पीकिंग। डांस जो है ये मेरा फील्ड नहीं है, ये मेरा ग्राउंड नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बट ये है कि दर्शक यही पसंद करते हैं आपका, जो नेचुरलपना है। नहीं, मैं जो कोरियोग्राफर होता है ना, जो हमको नचवाता है, मैं उसको पहले बोल देता हूँ, देखो मेरे को ये मत बताना, स्टेप मत बताना, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 वही है, मुझे मत बोलना, मुझे छोड़ देना, मेरे को ये स्टेप मत बताना कि यहाँ से ये लेना, फिर यहाँ से लेफ्ट लेना, फिर राइट लेना। लेट मी डू माई सेल्फ, मतलब मैं अपने हिसाब से मैं रिदम में जितना हो सकता कोशिश करूँगा, चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ दो चीज़ों से, एक जब ये गाना होता है और दूसरा फाइटिंग होती है, दो चीज़ें मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे करूँगा मैं वो, लेकिन वो घबराहट में कर जाता हूँ, ठीक ठाक हो जाता है। लड़कियाँ भी हैं जी, लड़कियाँ भी हैं, लड़कियों के बिना फिर क्या बात, लड़कियाँ बहुत कुछ नहीं, वो लड़कियाँ, वो लड़कियाँ हमको संभाल लेती हैं हमारे डांस में। सर जी सर, हाँ जी सर, इतना मज़ा आ रहा है मुश्ताक भाई, अरुण जी, अदि जी, इनको रोमांटिक मूड में देखना,
वैसे बहुत कम बड़े दिनों के बाद मैंने देखा नहीं है, मैं सच में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि दीज बॉयज दे आर नॉट मेन एनीमोर, दे बिकम बॉयज, टीनेज बॉयज हो गए। एंड अभी ये हालत में सोच रहा हूँ जवानी में ये लोग कितने खतरनाक होंगे। माय गॉड, व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय जवानी? मतलब अभी भी ठीक ठाक है? नहीं, मतलब व्हेन यू वर अ टीनेजर सर, दे आर लाइक टीनेजर्स। बट ये है कि ये पूरी फिल्म में इतना टेंस हम लोगों ने सीन्स किए हैं, ड्रामा बहुत है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे को पीछे बिल्कुल एकदम तलवार लेके बंदूक लेके खड़े हम सीन्स ऐसे हुए हैं पूरे, बहुत टेंस है। तो ये गाना जो है थोड़ा सा रिलीज है हम लोगों के लिए, थोड़ा हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि इलेक्शन जीत गए हैं इसके लिए। तो वो एक फ़न है और वो तीनों इन्जॉय कर रहे हैं उसको, और ख़ासकर लड़कियाँ हमको प्रोड्यूसर ने दे दी हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ मज़ा आ रहा है थोड़ा। तो मौसम भी बहुत अच्छा है, गाना भी अच्छा गाया है अरुण ने। नटखट तेरा लाल, यशोदा नटखट तेरा लाल। ये जगह जगह उल्टे फिल्म की अगर बात करते हैं, हाँ, बहुत बहुत ही जगह जगह मतलब फिल्माया जा रहा है, फिल्म बहुत जोरों शोरों में शूट हो रही है, उल्टे को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब तक ये दर्शक देख पाएंगे और क्या कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शकों से जब ये फिल्म थिएटर में लगेगी और लोग इसका पार्ट क्यों बने? सर हम सब ने बहुत मेहनत की है एंड एक अनयूजुअल स्क्रिप्ट हमारे नसीब में आया है एंड आई थिंक एवरीवन हैज वर्क्ड वेरी हार्ड। अब उम्मीद यही है कि बस अभी ऊपर वाला पार लगा देने का, बिकॉज एवरीबॉडी हैज वर्क्ड वेरी हार्ड, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की। वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है एक्चुअली, ही हैज बीन ब्रिलियंट। ब्रिलियंट इज नॉट द वर्ड, हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हम ये फिल्म कर रहे हैं या ही इज आर डायरेक्टर या कोई चमचागिरी नहीं है। इट इज आई जेन्युइनली से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट दैट आई थिंक इस फिल्म के बाद ही विल बी इन द बिग लीग ऑफ डायरेक्टर्स। या डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट, जी इज परफेक्टली ट्रूली सेड, बिकॉज़ यू नो दैट दिस मैन आई कैन से इज अ वन मैन आर्मी। मतलब वो आदमी ने इतनी मेहनत की, और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जिस फिल्म का डायरेक्टर इतना जेन्युइन हो जाए, इतना सिंसियर हो जाए, इतना मतलब इंटेलिजेंट हो जाए, और जो कि फिल्म को अपने ऊपर उतार ले, ही इज स्लीपिंग द फिल्म, ही इज ईटिंग, ही इज वॉकिंग, ही इज ड्रीमिंग एंड ऑल दैट, मतलब तो वो फिल्म को उसने अपने आप में आत्मसात कर लिया है उस आदमी ने। और वो इस तरह से मैंने काम करते हुए, बहुत कम डायरेक्टर्स हैं, एक हमारे डायरेक्टर थे कुंदन शाह जो वो डाइड नो, उनके साथ हमने काम किया हुआ है, मैंने उनको देखा था इतनी मेहनत करते हुए। मतलब दूसरा मैंने भट्ट साहब के साथ काम किया, तो वो जो लोग मतलब जो कहते हैं ना कि एक तो अल्कोहलिक होता है जो बहुत ही दारू पीते रहता है ना 24 घंटा, ये वर्कोहलिक हैं, मतलब काम 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 काम। इस आदमी को भी मैंने ऐसे ही देखा है, मनोज नाथवानी को, मतलब दिस मैन, मतलब यू नो दैट आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ यही कर रहा है। मतलब वो ड्रेस का भी वो देख रहा है, असिस्टेंट क्या काम कर रहा है वो भी देख रहा है, आर्टिस्ट को खाना मिला कि नहीं वो भी देख रहा है, गाड़ी आई कि नहीं वो भी देख रहा है, मतलब डायरेक्शन भी देख रहा है, और ये सारी चीज़ें मतलब बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स को। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर किसी भी फिल्म का डायरेक्टर इतना सिंसियर हो तो बाकी सब सिंसियर हो जाते हैं, चाहे वो कितने बड़े आर्टिस्ट क्यों ना हो, और कितना ही मतलब वो मतलब कैमरे के पीछे काम करने वाले, कैमरे के सामने काम करने वाले, सारे के सारे सीरियस हो जाते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्टर अगर इतना सिंसियर और इतना हार्ड वर्किंग है, तो क्योंकि अगर डायरेक्टर अगर थोड़ा सा ढीला होगा ना तो पूरा माहौल ढीला हो जाता है। इज़ अ कैप्टनशिप, इसलिए बोलते हैं कि भाई कैप्टन अगर सही है, डायरेक्टर आपका सही है, और वो उसको मालूम है कि व्हाट ही वॉन्ट, उसके दिमाग में पूरी फिल्म होती है, तो फिल्म अच्छी बनती है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जी सर, आखिरी सवाल चलते चलते पताड़िया मैडम जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो प्रोड्यूसर हैं इसमें, और खास करके महिला आगे आती है प्रोड्यूस करती है, तो कितना काबिले तारीफ है इस तरीके का काम करना। हिमांगनी जी, मैं उनको जीत कुमार जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी, तो उसके बाद जब रिलीज के वक्त मैं पहली बार मिला, तो शी वॉज नॉट एज अ प्रोड्यूसर समथिंग, बट आई वॉज सरप्राइज कि शी गॉट इन टू दिस प्रोजेक्ट, एंड शी हैज़ बीन वेरी इन्वॉल्व, वेरी पैशनेट अबाउट द मूवी, एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड वी होप दैट दे हैव सक्सेस। ये भी कमाल का कॉम्बिनेशन है, एक हिमांगी है और दूसरी तरफ जीत जो है, वो कमाल का कॉम्बिनेशन दोनों का, वो दोनों भी बड़ा साइलेंट, मतलब जो है ना दे आर वर्किंग टुगेदर, यू नो, मतलब वो इतने साइलेंट हैं लेकिन वो उतने ही मतलब एक्टिव हैं, समझे, सबके लिए, पूरे प्रोडक्शन के लिए, मतलब वो हैं, बैठे हुए हैं, तो उनको मालूम है क्या है क्या नहीं करना चाहिए, तो मतलब ऑर्गेनाइजर इज वेरी गुड ऑर्गेनाइजर आई थिंक, मतलब तो वो डायरेक्टर एक इतना अच्छा मिल गया, उसके बाद उसको डायरेक्टर को प्रोड्यूसर अच्छे मिल गए, है ना, और सारे करेक्टर्स जो हैं वो इतने अच्छे हैं,
सब ने अपना अपना काम बहुत अच्छा किया है. जीत है इट इज़ डूइंग वेरी वेल, इज डन फैंटास्टिक जॉब. हमारे दोस्त लोग जो हैं इसमें समझे ना, अडी ईरानी हैं, अरुण बख्शी हैं, तो इन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं. सब लोगों ने तो हम लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बन गया है. और उसका रीज़न ये भी है कि हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, तो इन्जॉय भी करते हैं. सेट जब ऑफ द कैमरा होते हैं तो बहुत इन्जॉय करते हैं, और जब कैमरे के सामने जाते हैं तो फिर वो जो चाहिए, जो डायरेक्टर को चाहिए या जो सीन को चाहिए, उसकी पूरी कोशिश करते हैं. कोशिश किया है, एक बहुत अच्छी कोशिश की है, और मेरा ख्याल है अच्छी फिल्म बन गई है. लेट्स होप फॉर गुड. हाँ ठीक है. फिल्म जो है फिल्माया जा रहा है, खास करके अरुण जी की जब आवाज़ हो तो दमदार आवाज़ हो, दमदार और बुलंद आवाज़ है, एकदम बुलंद आवाज़. सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार का केमिस्ट्री है आप तीनों की यहाँ? हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बहुत काम किया हुआ साथ में, और कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं हम लोग. तो इट्स नॉट जस्ट कि हम लोग काम कर रहे हैं, अपना काम करके निकल जा रहे हैं. यहाँ पर आने के बाद में एक रूम में बैठ करके हम मस्तियाँ करते हैं, मस्तियाँ करने के बाद में फिर बाद में हम काम के बारे में जब जाते हैं सेट पर, तो काम जब दिखाया जाता है तो वो एक केमिस्ट्री के साथ में जुड़ करके मिल करके जो एक परफॉर्मेंस आता है ना, वो कमाल का परफॉर्मेंस आता है. तो उसका मज़ा एक अलग ही है, तो वो हम इन्जॉय बहुत कर रहे हैं इवन इन द शॉर्ट्स. आदि सर, ये तीनों जो टिकड़ी यहाँ पे इस गाने में देखने मिल रहा है, क्या है, किस वजह से ये गाना फिल्माया जा रहा है, क्या उसकी कहानी, गाने की कहानी क्या है? गाने की कहानी वैसे बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए मुझे, बट यस बट मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि हम पॉलिटिशियंस हैं, और पॉलिटिशियंस पे वैसे भी बहुत ज़्यादा भार होता है देश का, तो सर बहुत भारी तो वो जो भार जो है उसको हल्का करने के लिए एक थोड़ा एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है. तो हम यहाँ पर एंटरटेन एक दूसरे के साथ में, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं, एक साथ मिलकर के किसी के साथ में एंटरटेन होने के लिए हम लोग आए हैं. ये रियल लाइफ में भी ऐसे नेता है, इसी प्रकार के होते हैं क्या? नहीं, अभी क्या होता है ना कि रियल लाइफ में जो कुछ होता है वो हम हर चीज़ फिल्म में नहीं दिखा सकते. फिल्म इज सपोज टू बी एन एंटरटेनमेंट मीडिया, तो एंटरटेनमेंट मीडिया में आप जब तक एंटरटेनमेंट नहीं डालोगे तब तक आपको फिल्म देखने वालों को, दर्शकों को फिल्म देखने में मज़ा नहीं आएगा. तो आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट वैल्यू की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये सर्टन गाने होते हैं, सर्टन चीज़ें जो हम दिखा करके लोगों को खुश करना चाहते हैं, वो चीज़ें इसलिए होती हैं. तो इट इज़ मेनली एंटरटेनमेंट वैल्यू. मनोज जी डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, कैप्टन ऑफ द शिप, कितना महत्वपूर्ण उनका काम है उनके? सर मैं सिर्फ इतना ये बोलूँगा मनोज जी के लिए कि मैं मनोज जी को इससे पहले कभी मिला नहीं था, फ्रेंकली. मेरा फ्रेंड जीत है, तो जीत का बर्थडे था तो वहाँ पर मैं गया था, तो वहाँ पर मेरी मनोज जी के साथ में बात हुई, मुलाकात हुई. मनोज जी की एक कहानी प्रोड्यूसर ने बनाई थी, सोची थी, तो इसको कहानी को बना करके मनोज जी चाह रहे थे कि कुछ ऐसे अच्छे एक्टर्स लें जो कहानी में कैरेक्टर में फिट हो जाएं. तो वो वहाँ पर मनोज जी से जब मेरी मुलाकात हुई तब मनोज जी को लगा कि भैया ये कैरेक्टर में आप बहुत फिट होते हो. तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको जल्दी कॉन्टैक्ट करूँगा. उन्होंने मुझे कैरेक्टर के बारे में कुछ बताया नहीं था, लेकिन जीत के थ्रू जब कनेक्शन हुआ हमारा, हम लोग जाकर के मिले, मैं और मनोज जी और जीत हम लोग मिले, और जब उन्होंने कहानी सुनाई, कैरेक्टर तो बाद में सुनाया, लेकिन कहानी सुनाने के बाद में मुझे बोला ये कैरेक्टर आपका है, तो मुझे लगा कि भैया बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, बहुत अच्छा है, ये करना चाहिए. बिकॉज कहानी में बहुत पॉलिटिकल कहानी, मतलब पॉलिटिकल सटायर जो है वो तो है, लेकिन उसके अलावा इसमें कॉमेडी वगैरह काफ़ी सारी है इन अ वेरी सिचुएशनल वे. इट्स नॉट कि हम शक्ल बना करके हम कॉमेडी कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है, इट्स लाइक हैपनिंग, थिंग्स आर हैपनिंग. तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मनोज जी का जो एक पैशन था काम के लिए, एक स्टोरी नरेशन के लिए, मुझे लगा कि ये आदमी जो नरेशन इतनी अच्छी दे रहा है कहानी की, तो वो फिल्म कमाल की बनाएगा ही बनाएगा. एक वो कॉन्फिडेंस मुझे मनोज जी के साथ में मिला, और इसके बारे में मुझे जीत ने मुझे बताया भी था कि मनोज जी इज़ माइंड ब्लोइंग टेक्नीशियन, और आप उनके साथ में काम करोगे तो बहुत मज़ा आएगा. आप मतलब तू बोल के बात करता है डेफिनेटली, बट तो बोले तू उसके साथ में काम करेगा बहुत मज़ा आएगा. तो आई एम एन्जॉइंग एवरी मोमेंट विद दिस मैन. और इस आदमी के अंदर एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी देख करके मुझे, काम से कहीं से आया भी होता हूँ, थका हुआ भी होता हूँ, तो इस आदमी की एनर्जी देखकर मुझ में एक अलग एनर्जी आ जाती है. तो वो जो एनर्जी ये आदमी पास ऑन करता है ना, वो कमाल की एनर्जी है. एंड आई एम लविंग दिस, बिकॉज एक चीज़ मैं इस आदमी के लिए बोलूँगा कि ही इज़ अ वन मैन शो, फ्रेंकली वन मैन शो. किस तरह से प्रोड्यूसरों को कन्विंस किया है, किस तरह से एक्टरों को कन्विंस करना है, किस तरह से यूनिट को संभालना है, कैमरे को संभालना है, स्पॉट्स जो चाय पिलाने वाले वो लोग हैं, खाना खिलाने वाले, उनको कैसे, हर
हर डिपार्टमेंट में ये आदमी हिस्सा लेकर के खुद अपना पूरा मेहनत डाल करके सबको संभाल करके चल रहा है, वो कमाल की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्सपीरियंस तो बताऊँ तो सुबह से 8 बजे से मतलब लगे हुए हम शूट पे, उसमें अब तक मैंने 7 चेंजेस कर लिए, 7 कैरेक्टर मेरे मतलब अलग अलग जो कैरेक्टर्स है उसको लेके, और बहुत मतलब इतना सारा काम किया है आज। वैसे मज़ा आया इतना सारा मेहनत करके भी, तो आज लास्ट डे हमारे शूटिंग पेकअप होने वाला है फुल एंड फाइनल, तो एक्साइटेड भी है कि चलो जो भी काम बचाए फटाफट करके फ्री हो जाए। गाना बहुत अच्छा है, प्यारा है, और मुझे लगता है कि ये गाना हिट होगा, ललन टोप 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 मतलब सब लोगों को सुनने में अच्छा लगे वैसा गाना है, और अरुण जी ने बहुत अच्छा काम किया है।